जी ये 1.5 साल बाद हुआ, हाँ, और तो फिल्म मतलब उस बाकी सब रिजेक्ट होते रहते थे क्या? मतलब बहुत रिजेक्शन है, बहुत। कैसे करते हैं रिजेक्ट? कई बार ऐसा होता था कि लाइन में भी वो बोल देते थे कि नहीं कि आप, वापस चले जाओ। हाँ, वहीं से अनफिट बोल देते थे कि नहीं नॉट रिक्वायर्ड, आप यहां से चले जाओ। तो वो हमेशा वो रिजेक्शन एक बार बहुत ऐसा लगता था कि यहां तक आया और फिर बिना मतलब सीन को कुछ परफॉर्म किए हुए भी भेज दिया। अब उनकी भी गलती नहीं थी, उनके वहां पे भी 50-100 लोग लगे हुए लाइन में, उनको भी टाइम पे काम करना है सबको कुछ, तो उनके अपने हैसल्स थे बेसिकली। तो मैं समझता था, लेकिन वो रिजेक्शन बहुत ज्यादा होते थे। तो एक टाइम पे ऐसा भी था कि सोचता था कि यार ये सही लाइन में आ गया हूं कि नहीं, कुछ होने भी वाला है कि नहीं होने वाला है। बट देन फिर थॉट ये भी आता था कि नहीं यार, ये जो ऑडिशन ले रहे हैं शायद उनको नहीं समझ आ रहा है, उनको। मेरा सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रांग था, तो मैं उससे चलता गया कि इनकी गलती है, इनका लॉस है, एक दिन समझेंगे, एक दिन हो जाएगा कभी मतलब ना दुनिया कभी। गलत है, मैं सही हूं वो ऐसा, वही थॉट था, वही एटीट्यूड था तब, अभी भी वैसे ही है। तो ये बताइए, अगर अभी भी ऐसे ही है तो लोग, कुछ लोग अब भी बोलते होंगे कि अरे ये लक चल रहा है इसका, 2 फिल्में चल गई, 3 फिल्में चल गई हैं। सर, मेरी पहली पहली फिल्म भी जब चली, पहली फिल्म भी चली थी तब भी ये लक बोला था। हाँ फिर मेरी दूसरी पंचनामा 2 भी चली, फिर भी लक बोला था। सोनू की टीटू की स्वीटी चल गई, फ्लूक बोला। फिर लुक्का छुपी चल गई तो बोला अब देखेंगे। पति पत्नी चल गई, फिर कुछ बोला नहीं, पता नहीं क्या बोला, मुझे पता भी नहीं। तो अभी भूल भुलैया चल गई तो कभी कोई बोलता है सीक्वल चल गई, कभी कोई बोलता है कुछ चल गया। लेकिन क्या है, वो बोलने वाले बोलते रहेंगे, मैं सक्सेसफुल फिल्में देता रहूंगा। तो और एक कहा जाता है कि आपकी लड़कियों की फैन फॉलोइंग इतनी है कि उससे फिल्म चल जाती है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, कुछ तो कमाया मैंने। आई मीन नहीं, आई एम ग्लैड कि वो फैन फॉलोइंग भी है और उतने ही लड़कों की भी फैन फॉलोइंग है। आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि जिस तरीके की फैन फॉलोइंग मुझे मिली है। और मुझे कहीं ना कहीं सर लगता है कि यहाँ पे ना एक आम जनता या आम आदमी भी मेरी जर्नी से बहुत रिलेट कर पाते हैं, जी, जो इसीलिए मैं, वो जानना चाह रहे थे। हाँ, तो वो इसीलिए और ज्यादा वो फैन फॉलोइंग भी उतनी ज्यादा रिलेटेबल होती है, क्योंकि वो ये देख पाते हैं कि यार अगर इसकी ये जर्नी ये क्रिएट कर सकता है तो मैं भी वो क्रिएट कर सकूं। जो मेरी पहली लाइन भी मैं बोल रहा था कि मैं दूसरे एक्टर्स को देखता था कि ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, तो आज वो मुझे देख के भी बोलते होंगे अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। अच्छा, जो स्ट्रगल की बात करते हैं ना, मुंबई लोग आते हैं, कई कहानियां सुनाते हैं कि हम बेंच पे सोए थे, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया था, आप तो हॉस्टल में आए थे कॉलेज के, जी स्ट्रगल के दौरान ये सब दिक्कतें तो रही होंगी मुंबई में, घर रहना, रेंट। काफी रहा था। मैं पहले, हम लोग 12 लड़के रहते थे एक रूम में, 12 लोग एक, हाँ, 12 एक लोग रूम थे, में? मतलब 2 BHK टाइप था। तो एक रूम में 4 लड़के, दूसरे में 4, लिविंग रूम में 4, तो ऐसे हम 12 लोग रहते थे। ये वो लोग क्या, ये पीछे इंजीनियरिंग में थे? नहीं, नहीं, जब मैं बेसिकली क्या हुआ था, मेरा एक पॉइंट था जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग हो रही थी। नवी मुंबई से। हाँ, नवी मुंबई से मुंबई शिफ्ट हो गया था, और तब मेरे ऑडिशंस में वहीं पे देता और ये सब करता, तो इसलिए मुझे वो टाइम सेविंग के लिए या कुछ भी उसके लिए पैसे भी जाते थे, ट्रैवलिंग होता था, तो मैं वहाँ पे रहने लगा था। तो जब मैं वहाँ रह रहा था तो वहाँ पे 12 लोगों के साथ रहता था, और सब लोग एक्टिंग करने ही आए थे। उस लोखंड वाला में मैं रहता था, एक जगह थी न्यू माड़ा करके, तो वो, क्योंकि वो एक माड़ा होता था, एक नया माड़ा बना था, तो उसको न्यू माड़ा बोलते थे। तो वहां पे हम 12 लोग रहते थे। एंड एंड वो प्रॉब्लम्स तो आती थी कि जब कि अभी मैं बहुत उधारियों में जीता था तब, कि कभी इससे पैसे लिए, अब कभी चुका दिया, अब उससे। चुका, सारी उधारी चुका दी आपने? हाँ, सब चुका दी सर। पहले तो मैं ये कहता था कि इससे उधारी ली तो इस वाले दोस्त से लेके उसको दे दी, ऐसे करता रहता था। बट